यहाँ पे बातें मैम, दिस साइड दिस कॉर्नर माइक्स भाई। ये बेचारा कौन है इनको पीछे रखा हुआ है? उसमें कुछ है ही नहीं, वो इतने नीचे फर्जी है। चलो रोल हवा भरी है। ये आपने अपना ऊपर रखा होगा ना? ये लो भाई तुम्हारा सबसे ऊपर, बस एक वो होता ना डस्टबिन की तरह, उसमें खड़े कर दो और ऐसा बोल दूं मैं, जल्दी कीजिए सिर्फ। क्या यार चालू हो रही है इनको गुस्से पड़ा मैंने भाई कर लो प्लीज, मैं सबकी तारे खींच दूंगी। उसके बारे में कहा तो भाई इतना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब क्या है ना हीरोइन वाली फीलिंग आ रही है कि एक प्रोडक्ट को मैं लॉन्च कर रही हूँ और उसकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं, जॉय जो बॉडी लोशन है। और ऐसा नहीं है कि मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने जब ये साइन किया था उसके 20 दिन पहले ही मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया था और वाकई ये बहुत है अच्छा है और नॉर्थ में तो बहुत अच्छा चलेगा क्योंकि बहुत ठंड होती है, बहुत ड्राई स्किन होती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। और मुझे था कि मैं अभी कोई भी ऐड करूं तो वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए कि मैं कहूं मतलब कि आप प्लीज़ ये खरीदिए, मैं ऐसा ना बोलूं कि पैसे वापस होंगे, होते ना इतने दिनों में पैसे आपको गोरा ना करे या काला ना करे या सफ़ेद ना करे, ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी। आप पहले इसको खरीदिए, यूज़ कीजिए, अच्छा लगे तो फिर लोगों को सलाह दीजिए और आप भी यूज़ कीजिए। मैं किसी पर कोई दबाव नहीं डालूँगी भाई, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी फैमिली को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी फैमिली को बिल्कुल भी नहीं पता कि जो हम बेटी हमारे लिए दो बॉटल लेकर आई है उसी की वो ब्रांड एम्बेसडर है। तो मुझे था कि एक बार सिर्फ टीवी पे मेरी ऐड देखे वो, फिर उनको पता चले कि ज़रूरी नहीं कि 26 कमर वाली लड़कियां सुंदर होती हैं, 36-40 वाली भी बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं। लड़कों का क्या ख्याल है? हाँ जी, जो है लड़कों लोग का क्या ख्याल है, लड़कों ये करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा? सब कर सकते सर, ये क्रीम कोई घूंघट वाली क्रीम थोड़ी है यार, इसमें मूछें थोड़ी लगी गई, ये सब यूज़ कर सकते हैं। और लड़कों की स्किन थोड़ी मतलब वो टफ होती है और लड़कियों की थोड़ी सॉफ्ट होती है, लेकिन आप हाथ पैर सब जगह लगा सकते हैं ये, और आप जब लगा के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाएंगे डेट पे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो अगर उससे ना आए तो उसको गिफ्ट कर देना कि ये तू लगा, इससे अच्छी खुशबू आती है, क्योंकि आपको पता है इसमें लिखा भी हुआ है इसमें हनी और बादाम है जो वैसे भी कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। तो आप यूज़ कीजिए और देखिए कमाल इसका। और आई एम सो सॉरी, ये मैं नहीं बोल सकती क्योंकि और ऐसा भी कोई इतना भी मैंने कोई पैसा कोई मिला नहीं है, जो सबको मिलता है वैसा ही है, पर इतना हाई भी नहीं है, अगर होता तो मैं खुद ही डर जाती अभी, मैं 4-5 गाड़ियों में आते अगर इतना मिला होता तो। बट ठीक है, मैं मुझे सफिशिएंट है जितना मिला, क्योंकि मुझे सबसे पहले मैंने पैसे की हमने इतनी बात भी नहीं, क्योंकि मुझे खुशी इस चीज़ की थी कि भारती सिंह एक बॉडी लोशन की ऐड कर रही है और वो उसकी ब्रांड में मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अब कम से कम जब भी ऐड ऑनियर होगी, आटे की देसी घी की मक्खन की ऐड बंद होगी, वो अब लोग मुझे अप्रोच नहीं करेंगे, वरना उनको लगता था मोटी लड़कियाँ यही लड्डू के साथ खड़े हो जाओ है ना, या ऊन के लिए बकरे के साथ खड़े हो जाओ, तो ऐसे वाले ऐड अभी बंद हो जाएंगे, अभी आप मुझे पतली पतली लड़कियों वाले ऐड में देखेंगे। ठीक है, तो भाई इतने प्यार से कितना बोल आपने, तो कोई गंदी बात नहीं है ऊंचा बोली जी। बिल्कुल, मैं बचपन से नहीं मतलब 10th 11th से मैं ये करती थी राइफल शूटिंग, बट उसके बाद जब इस लेवल पे पहुंच गए कि तब बच्चों को अपनी अपनी राइफल लेकर ओपनली मतलब उसको कहते ना कि ओपन नेशनल जो खेलने जाते हैं वो करना था, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे तब, जब मम्मी को बोला तो इग्नोर सा कर दिया उन्होंने कि 7-8 लाख रुपए पागल होगी कैसे मांग रही है ये, और तब पैसे नहीं थे तो टाइम इतना ज़्यादा था, आज है आज टाइम नहीं है। बट अगर मुझे लगता है कि कोई ऐसा बच्चा हो जिसको ऐसा शौक हो और उसके घर वाले नहीं कर पा रहे तो मैं ज़रूर उनकी हेल्प करूँगी। और मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मेरे जो कॉमेडी के डायरेक्टर हैं उन्होंने पिछली बार मेरे ये जुलाई गया 3 जुलाई को मुझे राइफल शूटिंग की 1 साल की मेंबर नहीं लाइफ टाइम की मेंबरशिप मुझे गिफ्ट की है, जो वर्ली सीलिंग पे है ना शूटिंग रेंज, वहाँ पे मैं जाया करूँगी, वो मुझे मेंबरशिप लिए 4 महीने हो गए, मैं एक बार भी नहीं गई,
तो लाइफ टाइम है, इसलिए लाइफ टाइम ली कि कभी भी बुढ़ापे घर करके भी जाऊंगी ज़रूर। और बस बहुत अच्छा लग रहा है यार क्रीम की ऐड कर दिया। भविष्य में अगर आपको ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर बना गया सरकार की तरफ से तो क्या आप करेंगे ओलंपिक के? सरकार की तरफ तो गोले हो तो नहीं ना बनाने? नहीं नहीं मतलब ओलंपिक में अगर आपको बनाया गया तो आप करेंगे? बिल्कुल, मैं इतनी ज़्यादा खुश रहूँगी कि मुझे स्पोर्ट्स के मामले में कुछ करने को मिलेगा। और वैसे भी जब ये रियो ओलंपिक्स चल रहे थे तो मैं देख नहीं पाती थी, बट मैं YouTube में जाके राइफल शूटिंग, आर्चरी, ये सब चीज़ें देखती थी। और मुझे बहुत प्राउड है कि मैं इंडियन हूँ और जितने भी इंडिया के प्लेयर गए हैं रिप्रेजेंट किया है, जैसे दीपा है, सुशील जी हैं अपना, मुझे बहुत मतलब कल वो हमारे उसमें शूट पे आए थे एपिसोड पे, तो मतलब मैं उनको देखती रहेगी कि यार काश अगर मैं भी इनमें से एक होती तो मैं भी इनके साथ आती। बट वो बहुत अच्छा करते हैं। कहते हैं ना दिवाली नवंबर अक्टूबर में आती है, लेकिन हमारे लिए तो दिवाली तब होती है जब कोई प्लेयर इंडिया के लिए मेडल लेकर आता है। मैडम दिवाली आ रही है, सामने आ गया। देखा है उसी दिवाली भी याद आ रही है। करवा चौथ की है कल। जितने भी मुझे प्यार करते हैं, मेरे फैंस, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन और जिनको मैं अच्छी लगती हूँ, जो मेरी बातों पर हंसते हैं, आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी बहुत बड़ी यानी मेरे जितनी 85 केजी की हैप्पी दिवाली। और कम से कम पटाखे चलाएं, मुझे पता है पटाखे चलाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बचपन में मैं भी बहुत चलाती थी, आज भी मुझे दुखता है यहाँ पे क्योंकि मेरे सर पे बाल्टी बजी थी। क्योंकि होता ना एंड में पटाखे दिवाली मतलब कम लोग सोने लग जाते हैं, तो तब मेरे पास पटाखे बज गए थे, तो मेरे उस छत में एक प्लास्टिक की टूटी बाल्टी थी, मैंने उसमें सारे पटाखे डाल के उसको ढक दिया था और आग लगा के आ गई और बजे ना बजे ना, और फिर मैं अपने उधर लग गई और वो बाल्टी उड़ के फिर मेरे यहाँ पे बजी। और अरे तो मुझे आज भी दुखता है मतलब वहाँ पे। तो आप कम से कम पटाखे चलिए, मतलब एक आधी फूल चढ़ी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं, मानते नहीं हैं, और मैं भी बहुत ज़िद्दी थी, लेकिन इतने पटाखे वहाँ चलाइए कि धुआं धुआं हो जाए और अगले दिन सुबह इतना गंद पड़ा हो, क्योंकि ना बिल्डिंगों में सड़कों पर कितना पड़ा होता है। मुझे लगता है कि पटाखे एक आधी फूल चढ़ी हम खुशी मनाएं कि यस आज खुश हैं, दिवाली है, भगवान रामचंद्र जी आए थे, मतलब खुशियाँ हैं। बट इतनी दिवाली मतलब इतने पैसों के महंगे महंगे लोग पटाखे पैसे देते हैं और पटाखे लेते हैं, इसका मतलब हम अपने पैसे को जला रहे हैं। हम पैसा देते हैं और पटाखे लेते हैं तो पैसा जला रहे हैं, तो प्लीज़ उतना अगर आपने पैसा जलाना है तो वही पैसा, वही खाना, उसकी मिठाइयाँ आप किसी अनाथ आश्रम में, किसी ऐसे जो ओल्ड होम होते हैं वहाँ पर देकर आएँ, ताकि वो भी खुशियाँ मना सके और वो हमारे साथ दिवाली मना सके और उनकी भी दिवाली बहुत सारी अच्छी रह सके। आप कैसे दिवाली मनाते हैं? मैं तो इस बार अमेरिका में हूँ, दिवाली में पैसा कमा रही हूँ, सॉरी। नहीं नहीं मैं एक्चुअली जा तो रही हूँ किसी दिवाली के मनाने के लिए, मेरे फ्रेंड्स हैं उनका एक क्लब खुला है, उन्होंने बुलाया कि आप दिवाली मनाओ, आ जाओ हमारे साथ। बट मैं कोशिश करूँगी, वहाँ होता ना कि पहले दिवाली मना लेते हैं फिर उनको काम होते हैं तब, बट मैं दिवाली पे इंडिया ही हूँ, मैं दिवाली से एक दिन पहले आ जाऊँगी, शायद दिवाली की सुबह ही आऊँगी मैं। ऐसे करके पूजा करके फिर बहुत सारा खाना, और मैं दिवाली वाले दिन घर रहती हूँ, बहुत अच्छी पूजा होती है और बहुत अच्छा खाना बनता है, और मैं किसी के घर नहीं जाती, ना कोई हमारे घर आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग पार्टियाँ करते हैं, ताश खेलते हैं, ये वो, दिवाली वाले दिन अपने घर रहना चाहिए। कहते हैं ना दिवाली वाले दिन लक्ष्मी जी आते हैं, तो क्या पता वो आएँ और आपका दरवाज़ा बंद हो। तो आप मेरी रिक्वेस्ट है कि दिवाली वाले दिन अपने घर में रहिए, उससे पहले पार्टी करो अपनी, उसके पहले पार्टी करो बाद में पार्टी करो, लेकिन दिवाली वाले दिन आप भी हैं अपने घर रहना। बस बस आपको दिवाली में तो एक अच्छा टॉपिक होगा कि आप ब्रांड एंबेसडर बने, तो आप और अपने फ्रेंड्स को क्या कहना? मैं कुछ नहीं कहूँगी, जब ऐड आएंगे वो मुझे फ़ोन करेंगे सामने, तो सामने से पहले दो तीन बार मैं उनका फ़ोन काटूंगी, क्योंकि मुझ में एटीट्यूड आ जाएगा ना, क्योंकि मैं एक बॉडी लोशन की ऐड कर रही हूँ। बट बहुत अच्छा लगेगा और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि जो मैं शोज़ करती हूँ उसके बीच में अगर ऐड आए ना तो मज़ा आ जाए। स्लिम कट जाएगा, ड्रीम ड्रीम हो जाएगा, ड्रीम और ड्रम हो जाएगा। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा मीडिया आप सब आए, इतने अच्छे सवाल पूछे आप सब ने, मैंने बहुत सारे अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर की बचपन की, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और होप सो कि जितने भी आपने मेरे फोटो खींचे अच्छे अच्छे वाले डालना, ऐसे टेढ़ा मुँह कोई ना डालो, ठीक है? थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली।